अमेरिका से पाकिस्तानी राजनीति में भूचाल लाने वाला खुलासा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की एक महिला सिंथिया डी रिची ने पाकिस्तान के एक बड़े राजनेता के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। यह आरोप पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर लगाया गया है। सिंथिया ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए ये दावा किया है कि उसके साथ रेप की घटना साल 2011 में हुई थी। इतना ही नहीं, सिंथिया ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मखदूम शहाबुद्दीन पर भी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जब वो राष्ट्रपति भवन में रुकी थी, सिंथिया ने कहा, ये घटना रहमानी के घर पर हुई थी, तब मैं रहमानी से मिलने उनके घर गई थी, जहां मुझे फूल और ड्रिंक दिया गया था। मुझे लगा कि ये मीटिंग उनके वीजा को लेकर है। तब वे चुप क्यों रही, ये बताते हुए सिंथिया ने कहा कि पीपीपी की सरकार थी और वे मेरी सहायता नहीं करते। अमेरिकी महिला ने ये भी दावा किया है कि तब उसने अमेरिकी दूतावास में भी किसी को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया था, लेकिन वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। हाल ही में अपने परिवार पर हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए सिंथिया ने कहा है कि वो किसी भी आरोपी का सामना करने के लिए तैयार है। सिंथिया ने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत होने का भी दावा किया है और जांच की मांग की है। सिंथिया ने कहा, जरदारी की गंदी पीपीपी की ओर से मुझे धमकाया जाता रहा, क्योंकि वे जानते हैं कि पार्टी के शीर्ष पदों पर आसीन रहे नेताओं ने मेरे साथ रेप किया है। वे नहीं चाहते कि ये दुनिया जाने। आपको बता दें कि खुद के एडवेंचरिस्ट फिल्म निर्माता होने का दावा करने वाली सिंथिया सोशल मीडिया पर अपना पाकिस्तान प्रेम खुलकर जाहिर करती हैं। वे पिछले कुछ दिनों से पीपीपी नेताओं की तस्वीरें साझा कर लगातार हमलावर हैं। बेनजीर भुट्टो को लेकर एक ट्वीट के बाद पीपीपी ने सिंथिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी।